देश में कई राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो इस देश को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। ऐसा कौन हो सकता है जो ये नहीं चाहता कि गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले? ऐसा कौन हो सकता है जो ये नहीं चाहता कि दलितों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले? अगर अच्छी शिक्षा मिलेगी तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, देश का विकास होगा, तरक्की होगी। वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि देश तरक्की करे? वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि देश के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले? उन सारे लोगों ने मिलकर मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया। ऐसे सारे लोगों ने मिलकर मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया जो नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चों को, दलितों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। ये देश के दुश्मन है। जिन लोगों ने मनीष सिसोदिया को जेल भेजा है वो देश के दुश्मन है कि नहीं है? वो देश के दुश्मन है, वो नहीं चाहते कि देश तरक्की करे। और इतिहास गवाह है। इतिहास के अंदर कितने ऐसे उदाहरण है जिस व्यक्ति ने समाज के अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की कोशिश करी, जब जब जिस भी व्यक्ति ने शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की कोशिश करी, इतिहास में तानाशाह ने उसी को उठा के जेल के अंदर डाल दिया।